तो व्यूवर्स, आप लोगों ने देखा कि हमने 2000 लीटर टंकी को एक दूसरे में जोड़ दिया है, जो कि यहाँ पर सबसे पहले 1.5 इंची टैंक नेपुल, उसके बाद 1.5 इंची सॉकेट और थोड़ा सा 1.5 इंची का पाइप यूनियन और 1.5 इंची का टैंक नेपुल लगा के हमने एक दूसरे को टंकी को कनेक्ट कर दिया है, जो बहुत ही अच्छा लग रहा है और बहुत ही बेहतरीन लग रहा है। तो आप लोगों को अगर 1.5 इंची लाइन से कनेक्टिंग करेंगे तो एक दूसरे टंकी में भी, इसमें भी बराबर पानी रहेगा, इसमें भी बराबर पानी रहेगा और पानी साथ में खाली भी होगा और साथ में पानी भरेगा भी। तो इससे बहुत ज़्यादा हम लोगों को फायदा है और बहुत ही अच्छा नॉलेजफुल ये वीडियो आपके लिए है जो हमने बना के दिखाया है। और साथ में आपको इसका इनलेट का लाइन हम दिखाते हैं जो हमने कनेक्ट किया है, चलिए दिखाते हैं। तो व्यूअर्स, आप लोग देख रहे हैं कि ये पुराने ज़माने का ये जो टैंक नेपुल है, ये लोहे का GI का टैंक नेपुल है, 1 इंची है और 1 इंची चाबी हो गया, 1 इंची यूनियन हो गया और यहाँ पे 1 इंची टी हो गया। तो हमने ऐसे करके इनलेट लाइन निकाला है जो कि बहुत पहले ज़माने का ये लगा हुआ था और ये फिटिंग बहुत अच्छा हमको लगा, जो कहीं से लीकेज भी नहीं हो रहा है। आप लोग देखिए, पानी का लीकेज भी कहीं से नहीं हो रहा है, तो हमको बहुत ही ये बेहतरीन लगा, इसलिए हमने इसको आपको कनेक्ट करके दिखाया है, जो कि बहुत अच्छा ये आप लोगों के लिए वीडियो है। साथ में इसका एयर पाइप का देखिए, सबसे अच्छा हमको एयर पाइप लगता है इसमें, जो बहुत ही बेहतरीन है। एयर पाइप का देखिए, इसमें एयर पाइप कितना सुंदर से ही बनाया गया है और ये एयर पाइप है जो बहुत ही बेहतरीन लग रहा है। एयर पाइप इस ढंग से इसमें बनाया गया है, देखिए एयर पाइप कितना बेहतरीन लग रहा है। एयर पाइप बहुत ही अच्छा है और अच्छे ढंग से बनाया गया है। तो आप लोगों ने जैसा कि देखा कि हमने टंकी का कनेक्शन करके आप लोगों को दिखाया है। तो थैंक यू दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।